तो आज हम देखेंगे मध्यकालीन छत्तीसगढ़ का इतिहास। मध्यकाल में छत्तीसगढ़ में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग राजवंशों का शासन रहा। चलिए हम देखते हैं, रतनपुर की बात करते हैं। सबसे प्रमुख रतनपुर, रतनपुर में कंचूरी वंश। थोड़ा लेफ्ट की तरफ अगर हम आए तो कवर्धा, कवर्धा में फणीनाग वंश। नीचे की तरफ थोड़ा सा कांकेर, कांकेर में सोमवंश, कांकेर के बगल में चक्रकोट, चक्रकोट बस्तर का प्राचीन नाम है चक्रकोट। यहाँ पर छिंदक नाग वंश और अगर बस्तर की बात करें मूल बस्तर तो बस्तर में काकतीय वंश। मध्यकालीन इतिहास में ये पांच प्रमुख राजवंश थे। रतनपुर में कलचूरी वंश, कवर्धा में फणीनाग वंश, कांकेर में सोमवंश, चक्रकूट में छिंदक नाग वंश और बस्तर में काकतीय वंश। आज हम कलचूरी वंश के बारे में बात करेंगे। कलचूरी वंश की जो स्थापना है ये कृष्ण राज ने की थी, कृष्ण राज 500 AD में इसकी स्थापना हुई थी। कृष्णराज को कलचूरी वंश का आदि पुरुष भी कहा जाता है क्योंकि ये कलचूरी वंश का सबसे प्रथम ज्ञात पुरुष है ना। इससे पहले किसी व्यक्ति के बारे में उनकी जानकारी नहीं मिलती। तो इसकी स्थापना जो है, कलचूरी वंश की स्थापना अगर ओवरऑल इंडिया में अगर हम देखते हैं तो ये 500 AD में हुई थी और ये 500 AD से लेकर के 1741 AD तक पूरे भारत में कहीं ना कहीं शासन कर रहा था। ठीक है, मतलब एक बहुत ही लंबे समय तक इन्होंने, आप देख सकते हैं लगभग 1250 साल तक ये पूरे भारत में कहीं ना कहीं शासन किए। इनका कोई एक स्थायी ठिकाना नहीं था, ये अलग अलग जगह पर जैसे त्रिपुरी, तुमान, काशी, छुरी, कोसगई, महिष्मती, हमारे यहाँ रतनपुर में कई जगह इन्होंने शासन किया। इनकी बहुत सारी शाखाएं थी जो कलचूरी वंश के नाम से अलग अलग जगह पर शासन करती थी। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में जो कलचूरी वंश थे ये त्रिपुरी शाखा से आए हुए थे। मतलब कलचूरी वंश की पूरे भारत में कई शाखाएं फैली हुई थी, तो छत्तीसगढ़ में जो कलचूरी आए थे वो त्रिपुरी से आए थे। त्रिपुरी ये अपना बिरगांव वाला जो रोड है ना, नेशनल हाईवे 30 नंबर का जो नेशनल हाईवे, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नेशनल हाईवे है, ये सीधा जाएगी कहाँ पर, कवर्धा, कवर्धा के आगे जबलपुर, जबलपुर आप जाएंगे तो थोड़ा सा आगे जाएंगे तो वहां पर है त्रिपुरी। तो इस कारण इस शाखा को हम त्रिपुरी शाखा भी कहते हैं। कलचूरी की ये जो शाखा है ये मध्य प्रदेश के त्रिपुरी से आई थी हमारे यहाँ शासन करने के लिए। इस कारण कलचूरी की शाखा को त्रिपुरी शाखा या लहुरी शाखा भी बोलते हैं। अब थोड़ा आगे जाएंगे त्रिपुरी से, थोड़ा सा आगे उज्जैन तरफ, तो वहां पर लहुरी भी है। तो ये लहुरी के कलचूरी या त्रिपुरी के कलचूरी कहलाते हैं। छत्तीसगढ़ में जो कलचूरियों ने शासन किया वो कहाँ से आए थे, वो त्रिपुरी से या लहुरी, दोनों नाम आप याद रखिएगा। तो छत्तीसगढ़ को जानने से पहले हम थोड़ा सा त्रिपुरी के बारे में जान लेते हैं। तो त्रिपुरी में कलचूरी वंश की स्थापना किसने की थी, ये तो पूरे भारत की हम बात करते हैं, पूरे भारत में पहली बार किसने की थी, तो कृष्णराज ने। त्रिपुरी में किसने की थी, तो त्रिपुरी में की थी वामराज, वामराज ने। लेकिन वास्तविक संस्थापक माना जाता है कोकल्लदेव, कोकल्लदेव त्रिपुरी में कलचूरी वंश के वास्तविक संस्थापक है कोकल्लदेव। कोकल्लदेव के 18 पुत्र थे। अब ये 18 में से एक पुत्र का नाम था शंकरगण मुग्धतुंग, मुग्धतुंग, इसको शंकरगण प्रथम भी बोलते हैं, आप ध्यान रखिएगा। तो ये जो शंकरगण मुग्धतुंग है ये लगभग 900 AD में छत्तीसगढ़ आया और छत्तीसगढ़ आकर के पाली वाले क्षेत्र को जीता। पाली वाला क्षेत्र जानते हैं, जांजगीर चांपा से आप थोड़ा आगे जाएंगे कोरबा तरफ तो कोरबा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है पाली, है ना, वहां पर बाण वंश का शासन था। बाण वंश का, पाली का शिव मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। बाण वंश का जो शासक था विक्रमादित्य, वो 870-900 AD के आसपास शिव मंदिर को बनवाया था। ठीक है, तो 900 AD में शंकरगण मुग्धतुंग ने क्या किया था, पाली में बाण वंश को पराजित करके उस क्षेत्र को जीता। लेकिन जीतने के बाद वहां पर शासन नहीं किया, उस क्षेत्र को वापस छोड़ करके कहाँ चले गया, जहाँ ये लोग रहते थे त्रिपुरी, वापस त्रिपुरी लौट के आ गया। तो 950 AD के आसपास
सोमवंशियों ने वहां पर कब्जा कर लिया। तो यहाँ पर जो शंकरगण मुग्ध तुंग का जो पुत्र था, जो अगला शासक बना, लक्ष्मण राज, इसने अपने पुत्र कलिंग राज को छत्तीसगढ़ लिया कि भाई जाओ, यहाँ पर जो है हमारा क्षेत्र है ये वाला, तो और यहाँ पर सोमवंशियों का शासन चल रहा है। तो कलिंग राज अपनी एक भारी भरकम सेना लेकर के छत्तीसगढ़ आया और छत्तीसगढ़ में सोमवंशियों को पराजित किया। लेकिन ये शंकरगण मूर्ध तुंग की तरह वापस भाग के नहीं गए अपने क्षेत्र में, अशोकाराम के साथ रहूंगा ऐसे करके, ये यहीं पर बस गया छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ में ही रहने लगा। तुम्मान को राजधानी बनाया, तुम्मान वही पाली के आगे थोड़ा सा जाएंगे कोरबा, और कोरबा से थोड़ा सा और आगे की ओर जाएंगे तो वहां पर तुम्मान जगह है, कटघोरा और कोरबा के बीच में ही है तुम्मान। तो तुम्मान को क्या किया, कलिंग राज ने अपनी राजधानी बनाई और एक मंदिर भी बनवाया चैतुरगढ़, लाफागढ़ पुराना नाम है उसका, वर्तमान नाम चैतुरगढ़। तो चैतुरगढ़ में जो है एक मंदिर बनवाया महिषासुर मर्दिनी। किसने बनवाया, कलिंग राज। कहां पर बनवाया, चैतुरगढ़। तो वहां से थोड़ा आगे जाएंगे तो कटघोरा आएगा, कटघोरा से हम थोड़ा सा और आगे जाएंगे लगभग वही 50 किलोमीटर के आसपास तो पड़ेगा चैतुरगढ़, बिलासपुर रोड में है ना, कटघोरा बिलासपुर रोड में है चैतुरगढ़, महिषासुर मर्दिनी का वहां पर मंदिर है, ऐतिहासिक मंदिर कलिंग राज द्वारा निर्मित। कब हुआ इस मंदिर का निर्माण, लगभग 1000 AD में, मतलब आज से लगभग 1000 साल पुराना मंदिर है ना, महिषासुर मर्दिनी का जो मंदिर है।